नो भवत्वरियम शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्न विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ॐ शांति 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 ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति ॐ यश्चंदसाम ऋषभो विश्वरूपः छंदोभ्योध्यमृतात् संबभूव समेन्द्रो मेधया स्त्रिणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शांति 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 ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि अमृतोक्षितः इति त्रिशंकुर्वेदानुवचनम् ॐ शांति 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शांति ॐ आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां माम ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेधि वेदस्य म आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रान्त सन्ददाम्य ऋतं वदिष्यामि
सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति ओम भद्रं अपिवातयमन ओम शांति 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 ओम भद्रं करने भि श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छवीर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनुभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धे प्रकाशं ममक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ओम शांति 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 कूटस्थं तत्त्वं तात्विकं इत्यत्र हेत्वंतरम जो कूटस्थ स्वरूप है वस्तु तत्त्वं वस्तु है वो तात्विक पारमार्थिकम एक ही वस्तु कूटस्थ है जो अजन्मा है वही तात्विक है पारमार्थिक है इसमें दूसरे हेतु कहते हैं अनादेर अनादेरंतवत्वंच संसारस्य न सेत्स्यति अनंतता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति
यदि संसार को वास्तव मानेंगे अनादर संसार से अंतवत्व न सिद्ध न सिद्ध्यति सिद्ध नहीं होगा। और मोक्ष को आदि वाला मानेंगे आरंभ होता है मोक्ष, मोक्ष से चादिमत मोक्ष से अनंतता न भविष्यति। मोक्ष का आदि होता है तो अंत हो जाएगा, संसार अनादि है तो अंत नहीं होगा वास्तव मानेंगे तो। इसलिए संसार कोई अनादि वास्तव कोई पदार्थ है ही नहीं, ऐसा होगा तो अंत नहीं होगा। और मोक्ष कोई आरंभ होता है ऐसा नहीं, नित्य मुक्त स्वरूप है। विमत संसार न अंतवान अनादि भावत्वात् आत्मवत्, ये संसार वास्तव मानेंगे तो अंत नहीं होगा। अनादि तुषति भावत्वात् अनादि भावत्वात्, जितने अनादि उसका अंत नहीं होता ऐसे नहीं व्याप्ति, क्योंकि प्राग भाव अनादि होने पर भी अंत हो जाता है। इसलिए अनादि तुषति भावत्व, प्राग भाव में भावत्व नहीं रहेगा। अनादि नहीं क्या करेंगे, जितने भाव है यत्र तत्र भावत्व तत्र अंतवत्व भाव, वो भी व्यभिचार है। घटादि में भावत्व है किंतु अंत हो जाता है, किंतु अनादि हो और भाव हो अनादित्य सति भावत्व मित्र तत्र अंतो न यथा आत्मा, आत्मा अनादि है भाव पदार्थ अंत नहीं होता है। संसार भी इस प्रकार भाव पदार्थ यदि अनादि मानेंगे अंत नहीं होगा। ये भी है किंच मोक्ष अनंतो न, मोक्ष अनंत नहीं हो सकता है भावत्व सत्य आदिमत्वात्, जो आदि वाला है और भाव पदार्थ है उसका नाश हो जाएगा। सादी पदार्थ हो और भाव पदार्थ है नाश हो जाएगा। सादी पदार्थ में एक ध्वंस है उसका नाश नहीं होता है, तो इसलिए भावत्व सत्य ध्वंस में भावत्व नहीं। भावत्व हो और आदिमत्व हो, भावत्व घट में किंतु उसका नाश हो जाता है। इसलिए अनंत भावत्व सत्य घटत भावत्व सत्य आदिमत्व है, भावत्व आत्मा में है किंतु उसका वो अनंत है क्योंकि उसमें आदिमत्व नहीं है। भावत्व सत्य आदिमत्व जहाँ रहेगा तत्र अनंत अनु शांतत्व रहेगा। जैसे घट में भावत्व है और आदिमत्व है सादित्व है, वो शांत अंत अंतवत्व है अनंत नहीं है। इतना अनंतता च आदिमत मोक्ष से न भविष्यति। श्लोक का तात्पर्य कहते भगवान भाष्यकार, श्लोक से तात्पर्य मह अयं चापर आत्मन, अयं चापर आत्मन संसार मोक्षयो परमात्म सद्भाववादिना दोष उच्यते। ये दोष है जो मानता है संसार को और मोक्ष को परमार्थ मानता है, पारमार्थिक परमार्थ सद परमात्म सद्भाव, संसार से वास्तव सद्भाव है मुख्य से परमार्थ सद्भाव है ऐसा जो कहने वाली, ते परमार्थ सद्भाव वादी न संसार मुख्य यो हो परमार्थ सद्भाव वादी न हो। संसार को भी वास्तव मानते मोक्ष भी वास्तव है, आत्मा में संसार और मोक्ष दोनों वास्तव हो ऐसा जो मानते हैं उनमें ये अयम अपर दोष है, ये दोष है। वैतथ्य प्रकरण में दोष दिया था, वैतथ्य प्रकरण भी उक्त दूषण प्रकरण उक्त दूषण भी विलक्षण है, ये अलग ही दोष है कि ये संसार यदि अनादि है तो अंत नहीं होगा, मोक्ष सादि है तो अनंत नहीं होगा। जो परमार्थ सद्भाव मानते संसार मोक्ष को, संसार मोक्ष आविद्या का ही वास्तव है ही ना आत्मा में, तो कोई दोष नहीं। स्थिति काल में भी संसार ही नहीं, बंधन काल में भी मोक्ष है, आत्मनित्य मुक्त है। संसार और मोक्ष ये परमार्थ परमात्मा का नहीं, ये मानेंगे तो कोई दोष नहीं। परमार्थ सद्भाव मानेंगे तो आपत्ति, संसार का अंत नहीं होगा अनादि हो तो, मोक्ष का अंत हो जाएगा। तत्र पूर्वाधम व्याकृति अनादेर, अनादेर अनादि का तो अतीत कोटि रहित से संसार से, जिसके आदि नहीं आरंभ नहीं अतीत कोटि रहित संसार से, अंतवत्व न भवति अंतव तो समाप्ति न शिष्यति सिद्ध नहीं होगा। युक्ति से सिद्ध नहीं होता है, न उपयाति सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। युक्ति से व्याप्ति है, जितने अनादि है भाव पदार्थ सब अनंत है, शांत नहीं कोई, उसका अंत नहीं होगा संसार का,
यदि अनादि है और भाव तो यही। टीका में अतीत कोटि रहित से क्या अर्थ पूर्व नासीद इति अवश्य वर्जित से अतीत कोटि पूर्व नासीद एक कोटि पहले अभाव था बाद में उत्पन्न हुआ अतीत कोटि इसे अवच्छेद वर्जित से अवच्छेद अवच्छेद वर्जित से पूर्व कालवृत्ति अत्यंताभाव वर्जित से क्या टिप्पणी पूर्व कालवृत्ति अत्यंताभाव है अत्याधिक नहीं चाहिए पूर्व कालवृत्ति अत्यंताभाव वर्जित पूर्व काल में उसका अभाव था ऐसा नहीं तभी अनादि पहले नहीं था तो पहले नहीं था ऐसा नहीं पहले भी पूर्व कालवृत्ति अत्यंत अभाव नहीं है ऐसे ये जो उत्पन्न होता है पूर्व काल में उस तत्व पहले प्राग अभाव कहते हैं तो आदि है ही नहीं तो उत्पत्ति हो तो प्राग अभाव कहेंगे उत्पत्ति है ही नहीं तो अत्यंत अभाव उसके पहले कोई अभाव ऐसा नहीं पहले से संसार ऐसा है तो अतीत कोटि रहित से पूर्व नासीत इति अवच्छेद वर्जित से अत्यंत वर्जित से यो अनादि भाव स्वंतवान न इति व्याप्तिर आत्मनि व्यक्ता स्पष्ट है व्याप्ति यो यो अनादि भाव स स्वंतवान यथा आत्मा यत्र अनादि भावत्वं तत्र अनंतत्वं अंतत्वं न ये तो आत्मा वेदांत के अभिप्राय से और तार्किक अभिप्राय से अनादि भाव कितने पदार्थ मानते आकाश परमाणुवादी नित्य मानते उनका अंत नहीं होता है इत्या नहीं भाष्य में नहीं अनादि सन अनंत अंतवान कश्चित पदार्थ दृष्ट लोके अनादि होता हुआ अंतवान पदार्थ कोई नहीं दिखा गया लोक में अनादि हो और अंतवान अनादि है तो पदार्थ कोई भाव पदार्थ है तो उसका अंत नहीं हो सकता है संसार यदि अनादि मानेंगे अंत नहीं होगा। टीका में बीजांकुरयोर हेतुफल भावेन संबंध बीजांकुर संबंध बीज अंकुर का दोनों का संबंध संबंध हेतुफल भावेन तस्य भाव ततलो त्व प्रतियोता भाव में हेतुफल भाव न हेतुफलत्वेन हेतुफलत्वेन संबंध का तो हेतुत्वेन फलत्वेन बीजांकुर में हेतुत्व फलत्व हेतुत्व बीज निष्ठ हेतुत्व निरूपित निरूपित फलत्व अंकुर में अंकुर निष्ठ हेतुत्व निरूपित परंतु बीज में फल का अर्थ कार्य बीज हेतु है तो अंकुर हो गया कार्य अंकुर हेतु तो बीज कार्य हो जाएगा ये हेतुफल कार्य कारण रूपेण संबंध है ये जो बीजांकुर में संबंध है तस्य नैरंतरियम संतान बीजांकुर का संतान प्रवाह चल रहा है निरंतर ही संबंध चल रहा है एक बीज से अंकुर अंकुर से दूसरा बीज से अंकुर ये से ये जो संतान है वह अनादि है और संतान भाव पदार्थ है अनादि भावत्व विच्छेदस्य अंत से दृष्टत्वात् उसका तो विच्छेद हो जाता है अंत हो जाएगा बीजांकुर दृष्टांत प्रलय काल में समाप्त हो जाएगा दृष्टत्वात् बीजांकुर अच्छा ये प्रलय क्या अभी बीज को खा लिया उस बीज से अंकुर कहाँ होगा मुँह को अंकुर बनाकर भी खा लेते आगे बीज कहाँ होगा नष्ट हो गया सुप्रभाव बीजांकुर बीजांकुर प्रभाव है और खा लेते सब तो कहाँ होता है टिप्पणी में बीजांकुर भक्षण आदि ना नाशत्थल नाशत्थल संतान का विच्छेद हो गया नहीं खाए भी जल गया तो अंकुर नष्ट हो गया संतान नहीं रहा तो संतान का अभाव हो जाता है अनादि भाव होते हुए भी संतान का नाश हो गया तो व्याप्ति जो बताया यो यो अनादि भाव स्व अंतवान न इसका व्यभिचार हो गया बीजांकुर संतान में ये शंका करेगा पूर्व पक्षी संतान अनादि भाव है अनादि भाव होने पर भी अंत उसका हो जाता है पहले सिद्धांत ने कहा नहीं अनादि सन अंतवान कश्चित पदार्थ दृष्ट अनादि होकर के कोई भाव पदार्थ अंतवान नहीं दिखा पूर्व पक्षी कहता है ये दिखा गया संतान बीजांकुर संतान
कार्य कारण भाव संबंध अनादि भाव होने पर भी वो नष्ट हो जाता है, खा लिया नष्ट हो गया। अनेकांतिकता व्याप्ति में व्यविचार इति शंका करता है पूर्वपक्षी। बीजांकुर संबंध नैरंतर विच्छेदो दृष्ट इति चेत, बीजांकुरा का जो संबंध है, बीजांकुर का संबंध कार्यकारण भाव हेतुफल भाव संबंध, उसका जो नैरंतर चल रहा है प्रवाह संतान, उसका विच्छेद अनादि भाव होने पर भी विच्छेद दिखा नाश दिखता है, इसे व्याप्ति में व्यविचार हो गया। इति चेत सिद्धांतिकता न एक वस्तु अभाव न अपोदितत्वात्। तो पहले तो कहा था संतान नाम का कोई एक वस्तु है ही नहीं, संतानी की अपेक्षा में उसका निराकरण कर दिया है। और यहाँ तीन नंबर टिप्पणी में दिया एकस्य संतानस्य अभावेन, अभावेन वस्तुत्व अभावेन, एक वस्तु अभावेन एकस्य संतानस्य वस्तुत्व अभाव, वस्तुत्व अभावात् कोई संतान नाम का वस्तु कुछ है ही नहीं, एक वस्तु अभावेन एकस्य संतानात्मक वस्तु तो अभाव है ना, संतान का वस्तु तो कोई पदार्थ ही नहीं। क्या संतान प्रवाह बीज अंकुर ये सब संतान में रहने वाले, संतान में रहने वाले किसका संतान, बीजांकुर का, बीजांकुर को क्या कहेंगे संतानी व्यक्ति, संतानी व्यक्ति को अलग कर दो, बीजांकुर ही संतान है, प्रवाह प्रवाह तो चल रहा है किंतु संतानी को सब अलग कर दो, प्रभा कह रहा संतान नाम को कोई पदार्थ नहीं, ये व्यक्ति संतानी को छोड़ करके इसे वस्तु ही नहीं, उसका विच्छेद क्या अनादि क्या कहोगे संतान, एक वस्तु अभाव ने उसका पहले निराकरण कर दिया है। ठीक है, मैं भावत्व विशेषा विशेषांश से तत्र वर्तमान न व्यभिचार शंका दूसरी थी, अनादि और भाव है, संतान को अनादि कहते हैं किंतु भाव तो कहाँ है, पदार्थ है ही नहीं। भावत्व सत्य अनादि तो कहने के लिए संतान पहले भावत्व उसमें हो, भावत्व अनादित्व सत्य भावत्वम, अनादित्व सत्य भावत्व कहेंगे तो विशेष क्या होगा, भावत्व रूप जो विशेषांश से तत्र संतान में अनादि भावत्व में विशेष अवर्तमान नहीं है तो वे विचार नहीं, ये तरह तो अनादित्य सत्य भावत्व तत्र अनंतत्व अनादित्य सत्य भावत्व नहीं। इति दूसरा दि सिद्धांति न एक वस्तु अभाव न कोई पदार्थ ही नहीं, भाव पदार्थ यह अनादिर अंतत्व संसार से न से स्थिति पूर्वार्ध की व्याख्या हुई। द्वितीयार्ध व्याच से द्वितीयार्ध अनंतता से आदि मत मोक्ष से न भविष्य तथा अनंतता भी विज्ञान प्राप्ति काल प्रभव से मोक्ष से आदिमत न भविष्य, मोक्ष से आदिमत अनंतता भी न भविष्य। मोक्ष से मोक्ष कब होता है, विज्ञान प्राप्ति काल प्रभव से, विज्ञान से प्राप्ति प्राप्त है काल विज्ञान प्राप्ति काल, विज्ञान प्राप्ति काल है प्रभव से मोक्ष से समोक्ष विज्ञान प्राप्ति काल प्रभव, विज्ञान प्राप्ति काल में होने वाले उत्पन्न होने वाले मोक्ष जो लोग मानते ज्ञान होते ही मोक्ष होगा, मोक्ष आरंभ होगा उत्पत्ति प्रभव अर्थात तो उसके आदि है मोक्ष, इसलिए आदिमत आदि वाला हो गया मोक्ष, क्योंकि विज्ञान प्राप्ति काल में उत्पन्न होता है आदि है तो आदिमत मोक्ष से अनंतता भी न भविष्य, वो अनंत कैसे होगा, सादि पदार्थ है भाव पदार्थ जितने है सब विनाशी है, सादी पदार्थ घटपटादि जितने पदार्थ सब विनाशी है, घटपट नहीं हिमालय पर्वत हो समुद्र हो अब नष्ट हो जाएगा सादी पदार्थ होने से। हाँ एक ध्वंस है इसको तार्किक लोग कहते हैं, वेदांतित ध्वंस का भी अंत कहते हैं, तार्किक लोग कहते हैं ध्वंस का अंत नहीं होता है वो शादी होने पर भी, इसलिए कहा भाव जो भाव पदार्थ है यदि शादी है तो अंत हो जाएगा अनंत नहीं हो सकता है, और मोक्ष इस प्रकार अनंतता भी विज्ञान मोक्ष से आदिमत न भविष्य क्यों नहीं होगा। टीका में यत्र आदिमत्व तत्र अनंतत्व न इति व्याप्ति भूमि में यत्र आदिमत्व तत्र शांतत्व अनंतत्व न घटादिशु
अदर्शनाथ अंत वो तो नहीं दिखा, यथा घटादि, घटादि में आदिमत्व है, उत्पत्ति है, उसमें अंत अनंतत्व है या नहीं? न अनंतत्व, अंतत्व है, अंतवत्व में। टीका में यथा कृतो कोपि घटादि ध्वंसो नित्य पूर्व पीछे कहता है, कृत का कार्य ध्वंस की उत्पत्ति होती है, घटादि ध्वंस कृत का कार्य है, कार्य होने पर भी उसका नाश नहीं होता है, इसलिए नित्य कह दिया। नित्य कहता है अविनाशी, घटादि ध्वंस कार्य होने पर भी अविनाशी, ध्वंस का विनाश नहीं होता है, ये तार्किक लोग कहते हैं। अनंत साधिर अनंत प्रध्वंस, ध्वंस साधि है किंतु अनंत है, कार्य होने पर भी घटादि ध्वंस अनंत है, तथा इस प्रकार बंध ध्वंस भी भविष्यति, ऐसे घट का ध्वंस साधि है और अनंत है, इस प्रकार बंध ध्वंस भी साधि है अनंत हो जाएगा। तो मुख्य मुख्य से अनंतता न भविष्यति, क्यों अनंत भविष्यति, अनंतता हो जाएगी। इति अनेकांतिकत्वम व्याप्ति में अनेकांतिकत्व व्यभिचार दोष, ऐसे शंका करता है पूर्व विषय, घटादि विनाशवत अवस्तुत्वात् अदोषयति चेत, घटादि विनाशवत घटपटादि का जो विनाश है ये कोई भाव पदार्थ नहीं अवस्तु है, वस्तु के टिप्पणी दे वस्तु निवृत्ति रूप वस्तु के अभाव ध्वंस अवस्तुत्व वस्तु नहीं, वतुनयन से घटादि विनाश उसका नाश नहीं होता है, इसलिए साधि होने पर भी अनंत है। मोक्ष भी इस प्रकार बंध ध्वंस साधि होने पर भी अनंत हो जाएगा, अधोसहित चेत व्यभिचार व्यभिचार हुआ, इसलिए मोक्ष में अनंतता न भविष्यति जो कति भी नहीं अंत अनंतता हो जाएगी। घटादि साध्य है उसका अंत हो जाता है, किंतु घट ध्वंस साध्य होने पर भी उसका अंत नहीं होता है, इस वजह मोक्ष जो है बंध ध्वंस है, बंध ध्वंस होने के कारण घट ध्वंस के समान अनंत हो जाएगा। अधोसहित चेत सिद्धांत कहेगा तथा चेत, टीका में मोक्ष से अभावत्व सती अर्थात घट ध्वंस जिस अभाव रूपे साध्य होने पर भी अनंत हुआ, मोक्ष इस प्रकार बंध ध्वंस है अभाव रूपे उसका अंत नहीं होगा। सिद्धांत कहता है ऐसा कहते कहते आपने मोक्ष का अभाव मान लिया, मोक्ष से अभाव होते सत्य, मोक्ष को जब अभाव मानोगे तो परमार्थ सत्व प्रतिज्ञा भज्य त, मोक्ष का परमार्थ सत्य क्या मानोगे, परमार्थ सत्व परमार्थ है मोक्ष, यही तो चल रहा है, जो संसार को पारमार्थिक मानता है मोक्ष को पारमार्थिक मानता है तो उसके लिए दोष, मोक्ष को पारमार्थिक मानते पारमार्थिक क्या हुआ, यदि अभाव रूप हो गया बंध का नाश है मोक्ष तो उसको परमार्थ सत्व मानना है, मोक्ष से परमार्थ सत्व प्रतिज्ञा उसका प्रतिज्ञा का भंग हो जाएगा। प्रतिज्ञा एक करते मोक्ष को वास्तव मानते हो, संसार को पारमार्थिक मानते हो, और यहाँ मोक्ष को अभाव रूप कहते हो, ध्वंस रूप है, ध्वंस है तो क्या पारमार्थिक हुआ, ये दुषयति तथा च सती मोक्षस्य परमार्थ सद्भाव प्रतिज्ञानि, ये प्रतिज्ञा हानि ये दोष, मोक्ष में परमार्थ सद्भाव की जो प्रतिज्ञा उसकी हानि त्याग भंग होगा। टीका में किंच प्राग असतः सत्ता समवाय रूपम कार्यत्वम तदपि मोक्षस्य असत्व न सिद्ध्यति, मोक्ष को जो कार्य कहते हैं पहले नहीं था आगे उत्पन्न होगा तो कार्य होगा, जैसे घट है कार्य, घट पहले नहीं था घट कार्य होगा तो घट में सत्ता का संबंध होता है, पहले जो घट नहीं था उसमें घट में सत्ता थी, घट में सत्ता का संबंध हो गया वही कार्य ही उत्पत्ति, सत्ता का समवाय सत्ता का संबंध, पहले नहीं था घट उसमें सत्ता समवाय रूप हुआ घट में कार्यत्व, इसी प्रकार मोक्ष में कार्यत्व नहीं होगा सत्ता ध्वंस मानेंगे तो, तथापि मोक्ष से असत्य मोक्ष यदि अभाव रूप है सत्ता समवाय रूप कार्यत्व नहीं होगा, इतः असत्वादेव असत्वादेव, क्या टिप्पणी में
असत्वादेव है टीका में प्रतीक असत्वादेव है ठीक है ये असत्वादेव था असत्वादेव सस्य विषाणुस्यैव आदिमत्वाभावश्च असत्वादेव वो असद्रूपे यदि असद्रूप मानोगे सस्य विषाणु के समान सस्य विषाणुस्यैव आदिमत्वाभावश्च मोक्ष आदि कैसे मानेंगे आदिमत्व भी नहीं होगा अभी कहते ये क्या दोष दिया संसर्ग और मोक्ष के पारमार्थिक मानेंगे तो मोक्ष में आदिमत्व होगा तो अंत नहीं अनंत नहीं होगा पूर्व प्रश्न में क्या छूट गया नहीं नहीं अनादि प्रति के बाद ये हुआ था अतीत कोटि रहित पूर्व नाशित अवश्य वर्जित से हुआ यो अनादि भाव स्वंतवान इति व्याप्ति आत्मनिव्यक्ता ये हो गया है पूर्व पीछे कहता अस्तित्व मोक्ष से आद्य अंतत्व सिद्ध नहीं होगा अनंतता नहीं होगा तो अंत मान लो आदि है अंत है मोक्ष को मान लो मुख्य के आदि है अंत भी मान लो अनंतता नहीं होगा तो अंतत्व तो होगा अस्तु तरी यदि अनंतत्व न सिद्ध्यति अनंतत्व न भविष्यति आदिमत्व मोक्ष से अनंतता न भविष्यति पूर्व श्लोक में कारिका में कहा अनंतता नहीं होगा तो क्या हो जाएगा अंतवत्व हो जाएगा तो अस्तु मोक्ष से आदि अंतवत्व आदि वाला तो है और अंतवत्व अस्तु तत्रा यदि अंत मानेंगे आद्य अंत मानेंगे आदावंते चयन नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा वितथे सदृशा संतो वितथा इव लक्षिताः आदो अन्ते च यद् वस्तु नास्ति तत् वर्तमानेपि तथा वर्तमानेपि नास्त्येव रज्जु में सर्प भ्रांति के पहले था रज्जु को देखने के बाद आदि में सर्प नहीं अंत में सर्प नहीं भ्रांति काल में सर्प भ्रांति काल में भी नहीं है जिसको भ्रम होता है उसके लिए तो सर्प है हैं है उसके लिए सर्प है दिखता या है दिखता है नहीं यदि उसके लिए सर्प है तो भ्रम कैसे होगा वो तो यथार्थ हो जाएगा कोई कहते जिसको भ्रम होता है उसके लिए सर्प है उसके लिए सर्प होता नहीं मानने को तैयार नहीं बोले भ्रम जिसको होता है उसके लिए तो सत्य है वो सत्य मानता है वो सत्य मानेगा तो सत्य हो जाएगा बाद में पश्चात होता है झूठा में सर्प को सर्प समझ लिया सर्प ही नहीं पहले कहता नायम सर्प स्वयं कहता ना पहले सर्प था अभी सर्प है ये नहीं कहता है पहले सर्प था अभी रज हो गई ऐसे कोई नहीं कहता तो आदो अंते नास्ति सर्प तो वर्तमान प्रतीति काल में भी नहीं है जैसे मरु मरीचिका ये दृष्टांत है मरु में जल मरीचि जल पहले नहीं था बाद में नहीं दिखते समय भी नहीं है तो दिखता कैसे बीतत ही सदृशा संतो अभी तथा ही वो लक्षिता मिथ्या पदार्थ अभी तथा है होने पर भी मरुमरीचि के समान होता हुआ भी अभी तथा सत्य जैसे लक्षित होते दिखते लगते हैं अभी तथा ही वो लक्षित सत्य जैसे सर्प को जो रज में देकर भागते हैं उसे सर्प को सत्य मानकर भागते हैं या मिथ्या मान करके हाँ अभी तथा ही वो सत्य जैसे मान करते भागते हैं नहीं तो कौन भागेगा टीका में यथ श्लोक में यत आदो अंते च नास्ति तत् वर्तमाने भी तथा यत व से किसको लेंगे यदि उसरोदक आदि गृहते उसर भूमि उदक
उसर्तान मरुभूमि नमकीन जगह है उदक आदि में नहीं, पर बीद में नहीं, प्रांति काल में भी नहीं। तथा वस्तु तो नास्त्येव इतिहावत तथा का अर्थ वर्तमान भी तत् तथा तथा का अर्थ वस्तु तो नास्ति आदि में नहीं अंत में नहीं तो वर्तमान काल में भी नास्ति है। आगे श्लोक में वितत ही सदृश संत मिथ्या पदार्थ से सदृश होता हुआ वितत ही वितत के लिए कहा था मरुमरीचि का असर उदक आदि तेरे व मरीच उदक आदि भी सदृश मरीच उदक आदि के जैसे जूटा होते हुए भी सत्य जैसे लगते हैं। वितत ही सदृश उसमें क्या सदृश है सादृश्य में आद्यंतवत्व आद्यंतवत्व होते हुए भी सत्य जैसे लगते हैं। आद्यंतवत्व ये तो सत्य नहीं होगा जैसे इसे अनुमान आ गया भीमता मोक्षादेव न परमार्थ संत भवितुम अर्हंती आद्यंतवत्वात् मरीच्युदकादिवत् ये मोक्षादेव मोक्षादि ये जगत भी है पूरा सारे प्रपंच प्रपंच जगत भी आद्यंत उत्पत्ति वाला प्रलय होता है। आद्यंत है मानेंगे तो वस्ता वास्तव पदार्थ नहीं है। मोक्षादेय मोक्ष संसारादि न परमार्थ संत भवितुम अर्हन्ति परमार्थ संत नहीं है। क्यों नहीं आद्यंतवत्वाद जो आद्यंत वाला है वो तो वर्तमान काल में भी नहीं इसलिए कितनों काल में नहीं आदि में नहीं अंत में नहीं और प्रतीति काल में भी वास्तव नहीं तो मिथ्या हो गया। परमार्थ सत नहीं आद्यंतवत्वाद स्वप्न में हाथी देखा जागृत तो पहले नहीं था जगने के बाद नहीं रहता तो स्वप्न समय में हाथी था समय भी नहीं था मरीच उदकादिपत। अभी कहते हैं ये वास्तव है ही नहीं परमार्थ है ही नहीं मोक्ष आदि किंतु प्रतीत तथा तो प्रतीत होती संसार मोक्ष इसके लिए प्रयत्न करते संसार सत्य है दुख है इतने दुख है निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते मोक्ष होता है कोई मुक्त हो गए कथन तरी मोक्षादि नाम तथा तो प्रथा सत्य तो प्रथा पारमार्थिक तो मोक्षादि नाम मोक्ष मरीचुदक आदि जितने पारमार्थिक कैसे प्रतीत होता है मोक्षादि नाम अपि अपिशब्द दृष्टान्तार्थ दृष्टान्त में भी मरीचुदक आदि में जैसे मोक्षादि में भी परमात्मा सत्व प्रतीत होती कथम इति आशंका अभी तथा इव लक्षिता कल्पित होने पर भी मूढ़ ही लक्षिता लक्षिता कही मूढ़ ही मूढ़ कहा तो अविचार की विचार नहीं करने पर सत्य सत्य समझ करके सत्य समझते विचार करने के बाद भी भ्रांति काल में इतने भय होता है रज्जु देखने के बाद भी कंपन की अनुभूति सातवें कंपन सर्प देकर भाग गया पाँचवें सर्प देखा दो भाग गया रज्जु देखा तब तक सातवें कंपन है कहीं हाथ पर गिरा गिर कर टूटा पूछा तो टूटा कुछ क्यों निकलती है तो रज्जु देखने के बाद वो खून बंद हो जाती है कितने कष्ट मूढ़े अविचार के लक्ष्य अविचार करने पर कुछ नहीं इसे सर्वत्र विचार करके करना पड़ता है। मन पुतम समाचरित कुछ विचार आचरण विचार करने के पहले मन से उसको विचार कर करें दृष्टिपूतम नसत्पादम वस्त्रपूतम पिबे जलम सत्यपूतम पूतां वदेत वाचम मन पूतम समाचर कुछ बोलने के लिए सत्य पूताम सत्य से पवित्र कर बोले अर्थात सत्य ही बोले नहीं तो कुछ नहीं बोले कोई बात नहीं झूठ नहीं बोले। दृष्टिपूतम नसत्पादम इस अन्य महात्मा के लिए कहा पाद रखते आगे बढ़ाते तो दृष्टि से पवित्र करके रखे स्थान को पवित्र कैसे दृष्टि से पवित्र हो जाता है नहीं तो नहीं देखे तो कोई नीचे कुछ भी है जीव कीड़े मकोड़े कुछ जीव दिखता है नहीं देखे उसमें पैर रखा मर गया तो पाप लगेगा अपवित्र स्थान में पैर लगा तो अशुद्ध हुआ इसलिए दृष्टि से पवित्र के पाद रखे अर्थात चलते समय नीचे रख करके पाद रखे नीचे दृष्टि इधर उधर देखने का समय कहाँ है चलते समय पाद आगे देखो
आगे पाद रखते रखते पीछे पाद उठा आगे रखने के लिए, उसका आगे भी देखो, आगे पाद रखने के बाद ऊपर देखने के समय है, फिर ये पाद पीछे आ गया रखने के लिए, नीचे देखकर चलो। दृष्टिपुतम नशित पादम वस्त्र पुतम, और हमेशा ही वस्त्र से छान करके पानी पी, पानी भी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, महिला तो आ जाता है पवित्र कर। और सत्यपुताम भद्य भाषम, सत्य से पवित्र कर वाणी बोले, वही वाणी सत्य भी मिथ्या भी है, वही मिथ्या बोलने से नरक पहुंचा देती है और सत्य पहुंचा बोले, यही सत्य भाषण करने से सत्य सबको बड़ा साधना बताया। और मन पूतम समाचरित, आचरण करते मन से पवित्र करके, विचार नहीं करके भ्रांति होकर दूसरे को डरा देते, सर्प सर्प दौड़ कर भागे दूसरे को, बहुत सर्प बड़ा सर्प, और विचार कर देखेंगे तो क्या है, उसरोध का आदि ना उसमें स्नान पान आदि होता है, स्नान पान आदि प्रयोजनानुपलम भात पूर्व पीछे कहता है, उसरोध को कहता है वो मिथ्या है, मोक्ष को किसी से मिथ्या आप कहते हो, क्योंकि उसरोधक में ना स्नान होता है ना पान पीने का होता है, कोई प्रयोजन ना अनुपलम भात, प्रयोजन निष्प्रयोजन है हमसे वो मिथ्या है, कोई बात नहीं, निष्प्रयोजन तो उपाधि दिया वो कोई प्रयोजन नहीं, किंतु मोक्ष स्वर्ग आदि का प्रयोजन कैसे नहीं, स्वर्ग सुख रूपे मोक्ष सुख आदि प्राप्ति प्रयोजन है, मोक्ष स्वर्ग आदि नाम तो सुखादि प्राप्ति प्रयोजन प्रतिलंबात, वहाँ तो प्रयोजन है, यहाँ जो दृष्टान्त दिया मीमता मुख्यादय न परमार्थ संत आद्यंतवत्वा तो मरीचुद्धकादिवत, जो परमार्थ सत्त नहीं है यत्र यत्र साध्यम परमार्थ सत्व अभाव मरीचुद्धक में तत्तर निष्प्रयोजनत्व है, निष्प्रयोजन है देखो उपाधि घटाओ अनुमान में, निष्प्रयोजनत्व उपाधि पूर्व पक्षी कहता है, पूर्व पक्षी तार्किक लोग वेदांत के विरुद्ध पूर्व पक्षी कर कहेंगे, ऐसे अनुमान दे देंगे तो वेदांती चुप हो जाएगा, इसलिए वेदांती को भी न्याय पढ़ करके तैयार रहना पड़ता है, कोई न्याय क्या अगर उसे बोलेगा तो उसको सामने कर सकते हैं। देखो उसे क्या कहता है, आपने बता दिया वेदांती ने मुख्यादय न परमार्थ संत आद्यंत वत्वात मरीच युद्ध का अधिवत, पूरा पीछे कहता है ये उपाधि आपका हेतु सोपाधि के हेतु व्यापकता से थी, आद्यंत वत्व जो हेतु दिया ये सोपाधि का है, उसमें उपाधि है, सिद्धांत पूछा उपाधि क्या है, कहे क्या उपाधि का है बताए, निष्प्रयोजनत्व, निष्प्रयोजनत्व यत्र यत्र परमार्थ सत्ता भाव तत्त निष्प्रयोजनत्व दृष्टान्त में उत्तरोधक मरुमरीचिका उदक परमार्थ सत्व का अभाव ही साध्य वहाँ है, साध्य ना नहीं, अनुमान में जो दृष्टान्त दिया उसमें साध्य और हेतु तो दोनों है, साध्य तो है दृष्टान्त में किंतु वहाँ निष्प्रयोजनत्व है, मरीचिका जल में स्नान पान आदि प्रयोजन रहित निष्प्रयोजन तो है, तो यत्र यत्र आद्यंतवत्व तत्र निष्प्रयोजनत्व साध्य व्यापक हो गया, परमार्थ संत हाँ यत्र यत्र परमार्थ सत्व साध्य परमार्थ सत्व, यत्र यत्र परमार्थ सत्व तत्र हाँ अच्छा मुख्यादि में परमार्थ सत्ताभाव जत्र तर पारमार्थिकत्व अभाव तथा तर निष्प्रयोजनत्व पारमार्थिकत्व वास्तवत्व उसराध्य अवधकय में नहीं है वहाँ उपाधि निष्प्रयोजनत्व आ गया, और साध्य व्यापक होने मात्र से उपाधि नहीं होती है, साधन का अव्यापक हो, साधन क्या है आद्यंतवत्व पक्ष में देखो मुख्यादि में आद्यंतवत्व तो है किंतु वहाँ उपाधि नहीं है, उपाधि क्या है निष्प्रयोजनत्व, तो निष्प्रयोजनत्व उपाधि साधन का व्यापक बना, साधन का क्या हो गया तो उपाधि बनेगी,
हाँ, साध्य का व्यापक हुआ, साधन का अव्यापक हुआ, इसलिए उपाधि। उपाधि क्या हो गया? ये सिद्धांतिक अनुमान में उपाधि आ गई, निष्प्रयोजनत्वम पूर्व विषय कहता है। तथा से ये जो दिया श्रीका में उत्सरुदकादीनाम स्नानपानादि प्रयोजन अनुपरम्भात् मोक्ष स्वर्गादीनाम तो सदकादि प्राप्ति प्रयोजन प्रतिलंबान न मोक्षादि वैतथ्यम, इसी वाक्य में सिद्धांत पूर्व विषय कहता है निष्प्रयोजन तो उपाधि टिप्पणी में दे दिया तीनों और टिप्पणी में प्रयोजन अनुपलम्भादिति तथा च निष्प्रयोजनत्व उपाधि भाव। उपाधि कौन बता बोलता है? पूर्वपक्षी। किस में उपाधि है? सिद्धांति के अनुमान में उपाधि। जो सिद्धांति का नाम मोक्षादि में पारमार्थिक सत्वाभाव सिद्ध करता है सिद्धांति, उसे निष्प्रयोजनत्व उपाधि आ गई। न मोक्षादि वैतथ्यम, मोक्षादि नाम वैतथ्य न पूर्वपक्षी कहता है अनुमान दुष्ट हो गया। निष्प्रयोजन तो उपाधि आ जाने से वहाँ प्रयोजन है, सुखादि प्रयोजन है। मोक्षादि न वैतथ्य न मिथ्या नहीं मोक्षादि, ऐसे शंका करता है पूर्वपक्षी। आशंका सप्रयोजनता आशंका आशंक्य सिद्धांत क्या कहेगा? जो उपाधि आपने निष्प्रयोजनत्व दिया और निष्प्रयोजनत्व पक्ष में भी है, पक्ष में साधन है, वहाँ निष्प्रयोजनत्व भी रहेगा तो साधन का व्यापक हो जाएगा। जो साधन का उपाधि निष्प्रयोजनत्व साधन का यदि व्यापक हो जाएगा तो उपाधि नहीं बनेगी, ये सिद्धांति पूर्वपक्षी सिद्धांति कहता है। तुम जो उपाधि ने बताया, उपाधि तुमने बताई, उपाधि साधन का व्यापक है। साधन का व्यापक क्योंकि जो मोक्ष आदि में तुम कहते प्रयोजनवत्वम, उसका प्रयोजनवत्व सप्रयोजनत्व वस्तु तो है ही नहीं। जो सप्रयोजनत्व जिसमें जल, गंगा जी में जल है, उसे सप्रयोजनत्व दिखता ना नहीं दिखता है, इसे पारमार्थिक सत्व होगा। कहते सप्रयोजनत्व उसी समय दिखता है, पानी देखे कर्म से लिखते सप्रयोजनत्व दिखता है। रात में सो गया सपन के समय में वो सप्रयोजनत्व है, पानी पी कर सोया और रात में सपन देखा बड़े प्यास प्यास हुए प्यास रहती है, भोजन कर सोया और उस देखता है भूखा है, मांगता है हमको भोजन दे दो। सपने में सप्रयोजन तो रहा, अच्छा सपने में भोजन करके उठा जग गया, भूखा था सपने में बहुत खाया उठ गया, जगने के बाद भोजन का प्रयोजन कुछ रहा? सपने में भोजन, सपने भोजन का प्रयोजन जागृत में नहीं, जागृत भोजन का प्रयोजन सपने नहीं। जागृत काल में राजा सम्राट है सब कुछ है, सपने में भीख मांगता है, हो सकता है उसका क्या प्रयोजन रहा? इतनी संपत्ति इकट्ठी करते सपने के समय में भीख मांगना पड़ता है, और सुश्रुति काल में सब बराबर है, यहाँ छोटा बड़ा कुछ ही नहीं। मरने के बाद तो कुछ लेकर नहीं जाना है, जीवित अवस्था में भी धन संपत्ति जितने है, जागृत काल में धन संपत्ति का अभिमान है, धन संपत्ति का भोग सबको नहीं होता है, सुख सबको नहीं मिलता है, बहु संपत्ति होने पर भी बड़े दुखी रहते हैं, तो भी अभिमान है। जितने अभिमान है संपत्ति धन संपत्ति नाम ख्याति जितने का, स्वप्न काल में वो सब अभिमान रहता है। स्वप्न काल में कभी भीख मंगा बन गया, कभी रास्ता में चलते समय हाथ पैर टूट जाते, कभी चल नहीं पाता है, कोई आता है तो उसको कुत्ता आदि कोई सर्प आदि आता है काटने के लिए, वो दौड़ना चाहता है नहीं जा पाता है, रास्ता में चलता है गाड़ी है जाना चाहे नहीं जा पाता है, ऐसे भी रोता है, चोर आकर के उसको बांध ले पीट ले सपने में देखता है। तो सपन काल में जागृत काल न धन संपत्ति का अभिमान नहीं, उनसे तजन्य सुख नहीं हुआ, और सुश्रुति काल में कुछ नहीं, धन संपत्ति अत्यंत गरीब हो और बड़े धन संपत्ति वाला सम्राट हो, सुश्रुति काल में बराबर है, सुख नहीं दुख नहीं वैसे रहोगे। केवल जागृत काल में थोड़ा अभिमान है, वो भी थोड़े दिन के बाद खत्म, या पाप लेकर जाता है भोगने के लिए, इसलिए सब सोच करके निषिद्ध कर्म से निंदित कर्म से हटे
थोड़े समय के लिए निंदित कर्म, निश्चित कर्म, मिथ्या भाषण, गलत कर्म, ये सब हटे नहीं करे, यही विचार करने वाले यही करके मार्ग में चलते, सन्मार्ग में चलते हैं। सिद्धांति कहता है ये आगे श्लोक में, सप्रयोजनता तुम दिखाते हो ना, सप्रयोजनता इसे श्लोक नहीं, श्लोक हुआ था क्या, श्लोक चलेगा ना, सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने भी प्रतिपद्यते तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्येव खलु ते स्मृताः। तेषां सप्रयोजनता स्वप्ने भी प्रतिपद्यते, तेषां सप्रयोजनता जो जागृत काल में पदार्थ है, जल आदि वास्तव जल है, वो सप्रयोजन है। स्वप्न के जल में सप्रयोजनता नहीं कहते, किंतु ये जो सप्रयोजनता स्वप्ने में नहीं रहते, ये विप्रतिपद्यते, इसलिए जागृत प्रपंच जितने है, जागृत संसार मुख्यादि जितने है, इसमें जो सप्रयोजनता कहते हो सप्रयोजनता वास्तव नहीं है। वास्तव हो तो स्वप्न काल में रहना चाहिए, जागृत क्या सप्रयोजनता वास्तव है नहीं। स्वप्न में जैसे पदार्थ देखा उस समय लगता है सप्रयोजनता, जागने पर कुछ नहीं रहा। जागृत काल में व्यावहारिक पदार्थ में सप्रयोजनता लगती है कि स्वप्न काल में वो प्रयोजन नहीं रहा। तस्माद आद्यंत होते न ते मिथ्या स्मृता मिथ्यव, इसे आद्यंत वाला होने से सब मिथ्या ही है। इसी प्रकार संसार भी मोक्ष भी है। इसमें पाँच नंबर टिप्पणी में पुस्तक है बड़े महाराज जी पुस्तक, पाँच नंबर टिप्पणी मोक्षादि नाम सपना नाम इत्यर्थ दे दिया। पाँच नंबर है ना, चार और नंबर कोई जरूरत है, मुख्याधि नाम के पर टिप्पणी है बड़े महाराज जी टिप्पणी, क्या टिप्पणी, मुख्याधि नाम स्वप्ना नाम उस मुख्याधि नाम है क्या, टीका में मुख्याधि नाम है क्या, अच्छा तेसा मुख्याधि नाम, ठीक ठीक, टीका में मुख्याधि नाम जो दिया है वस्तुतः स्वप्न पदार्थ में ये जो जागृत कालीन मुख्यादि उसमें स्वप्न भी प्रतिपद्यते, मुख्यादि ना स्वप्न भी प्रतिपद्यते ये दिया सप्रयोजनता, तो मुख्यादि ना का सपना नाम स्वप्न में होने वाले मुख्यादि ना स्वप्न भी प्रतिपद्यते, उसके थोड़ा टिप्पणी कुछ नहीं उसको बताएंगे, क्योंकि स्वप्न में विप्रतिपद्यते तेषाम, जिसमें विवाद है जिसमें सप्रयोजनता तुम कहते हो वो सप्रयोजनता स्वप्न काल में नहीं रहती। जैसे जागृत प्रपंच में व्यावहारिक पदार्थ में सप्रयोजनता है, किंतु वो सप्रयोजनता स्वप्न काल में नहीं रहता है। और स्वप्ने तेषाम स्वप्न पदार्थ सप्रयोजनता, स्वाप्निक स्वप्न में होने वाले मोक्षादि में सप्रयोजनता नहीं है। हम ऐसे भी उसको लगाए मोक्ष में स्वप्न काल में भी किसको मोक्ष हो गया, मुक्त हो गया, हो सकता है नहीं, स्वप्न काल में ज्ञान हुआ मुक्त हो गया, मुक्त होकर के नहीं, मुक्त होकर फिर उपदेश करने लगा, ज्ञान हो गया, आनंद में बैठा, फिर जग गया, जगने के बाद वही कहीं भूखा सोया हुआ है, कभी भिखारी भीख मंगा है, कभी आता में सपने में सम्राट इंद्र बन जाता है, कभी ब्रह्मज्ञानी बन गया, जगने के बाद सम्राट के संपत्ति रहता है स्वप्न संपत्ति, या ब्रह्मज्ञानी इसका रहता है कुछ नहीं,
कोई कोई कहते सपने किसको साक्षात्कार हो जाता है करके, जो साधक है जागृत काल में साधन करता है, साधन करते करते स्थिति है सपने में से कुछ हो ऐसे कहीं कहीं कोई संभव है। किंतु जो जैसे भीख मगा राजा में सम्राट बन गया, कभी ज्ञानी बनकर उपदेश करने लगा, उठने के बाद उसका कुछ ज्ञान है ना सम्राट की संपत्ति कुछ नहीं, तो उसमें दिया सपने में होने वाले जो मोक्षादि तेषाम सपने स्थितानाम मोक्षादि नाम विप्रतिपद्यते, जागृत काल में नहीं आता है, इसे सप्रयोजनता उसमें है ही नहीं। किंतु इसमें क्या होगा, सपने में स्थित मोक्षादि में जैसे सप्रयोजनता नहीं है इस पर इसमें, किंतु इसमें दिखाना है जहाँ विवाद है वहाँ भी सप्रयोजनता नहीं है दिखाना है। सपने पदार्थ में सप्रयोजनता नहीं है, हो तो नहीं हो तो छोड़ो, जिसमें सप्रयोजनता है वो तो सत्य होना चाहिए, पूर्व जी तो ही कहता है मरुमरीचिका जैसे उसमें सप्रयोजनता नहीं है। निष्प्रयोजन तो उपाधि दिया, उपाधि दे तो व्यवहार जो व्यवहार काल मुख्य आदि है उसमें देखना पड़ेगा साधन है किंतु निष्प्रयोजनत्व तो भी वहाँ है ये दिखाना है। तो निष्प्रयोजनत्व तो उसमें कैसे दिखाएंगे मुख्यादि में, तो ये मुख्यादि में निष्प्रयोजनत्व तो दिखाएंगे तो उपाधि साधन का व्यापक होगा, सिद्धांति का है ना साधन व्यापक हो, तो उसमें हाँ हाँ नहीं इसमें जो मोक्षादि में जागृत प्रपंच में जो सप्रयोजनता दिखती है वो सप्रयोजनता यदि वस्तुभूत होता तो सपने भी रहना चाहिए, सपने नहीं रहता है, सपने भी प्रतिबद्ध देते इसे सप्रयोजनता नाचती, इसे व्यावहारिक प्रपंच में। तो सपने में होने वाले मोक्ष में नहीं करके स्वप्ना नाम जो मुख्यादि नाम दिया है वो ठीक नहीं, मुख्यादि नाम तेषाम मुख्यादि नाम तो टीका में दे दिया ठीक है, तेषाम व्यावहारिक पदार्था नाम संसार मुख्यादि नाम मुख्य संसार आदि नाम सपने सप्रयोजनता भी प्रतिपद्यते, ये समझना समझ आया। टीका में मुख्यादि नाम दिया है और जो यहाँ जो श्लोक दिया गया जिसको पक्ष बनाया उसमें देखना है साधन का व्यापक हो, दृष्टांत में नहीं साधन व्यापक, साधन का अव्यापक पक्ष में, पक्ष व्यावहारिक मोक्ष आदि, तो व्यावहारिक मोक्ष आदि में सप्रयोजनता नहीं ये देखना, व्यावहारिक मोक्ष आदि में स्वप्न में सप्रयोजनता नहीं रहती है, व्यावहारिक जो मोक्ष आदि है वो स्वप्न काल में उसमें सप्रयोजनता नहीं रहा, व्यावहारिक संसार में जितने पदार्थ है सप्रयोजनता है स्वप्न काल में नहीं रहा, नहीं रहने से यदि वास्तव होता स्वप्न में रहना चाहिए, आत्मा वास्तव है सब स्वप्न काल में रहता है, और इस प्रकार व्यावहारिक प्रपंच है जो पदार्थ है सत्य तो है सत्य तो है वास्तव तो स्वप्न काल में रहना नहीं चाहिए, नहीं रहता है तो वो विप्रतिपद्य थे। इसे जागृत प्रपंच को ये पहले श्लोक आया था, जागृत प्रपंच में मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए पूर्व पीछे ने कहा स्वप्न पदार्थ में सप्रयोजनता नहीं है क्योंकि जागृत पदार्थ में सप्रयोजनता है, तो उसके लिए कहा ये जागृत पदार्थ में जो सप्रयोजनता तुम कहते हो सपने भी प्रतिपद्य थे, ये जागृत में संसार का सप्रयोजनता स्वप्न में नहीं रहेगा किंतु मोक्ष जागृत मोक्ष का भी सप्रयोजनता स्वप्न में असिद्ध हो जाएगा। हाँ सपने में कैसे हैं ये व्यावहारिक है, बंध ध्वंस जो व्यावहारिक है वो सब कल्पित है मुख्य, यदि संसार वास्तव होगा संसार ध्वंस वास्तव होगा, इसे ये तो मोक्ष को संसार ध्वंस होने के बाद आत्मस्वरूप हो गया उसको मानकर सत्य कहते हैं, संसार ध्वंस रूप जो मोक्ष मानते हैं पारमार्थिक नहीं है, इसलिए यहाँ जो तेसा मोक्षादिना संसार मोक्षादिना मुख्य संसार आदि नाम विप्रतिपद्यते सप्रयोजनता। टीका में ये श्लोक सब आ गया फिर दोबारा क्यों पुनरुक्ति शंका आ रही थी, वैत्यथ्य कृत व्याख्यान श्लोका विह संसार मुख्याभाव प्रसंगे न पठित, और एक श्लोक भी
सर्वे धर्मामृषा स्वप्ने काय शांतर्निदर्शनात् संवृत्तेऽस्मिन् प्रदेशे वै भूतानां दर्शनं कुतः सर्वे धर्मा जो जागृत काल में जितने पदार्थ है सर्वे स्वप्ने मिशा सारे पदार्थ मिथ्या है। जो वेदांती मोक्ष कहते आत्मसत्रित नहीं है, आत्मसत्रित मानेंगे तो वो मिथ्या है। वेदांती मोक्ष को नित्य कहेंगे पारमार्थी को, आत्मा से भिन्न है मोक्ष, आत्मा से भिन्न माने तो मिथ्या। तो मोक्षा जो कहते पारमार्थी का आत्मा से भिन्न स्वप्न सब मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? काय शांत निदर्शनात्, शरीर के अंदर दिखता है सारे पदार्थ, सपने पदार्थ जितने दिखते हैं सारे पदार्थ सपने में जो दिखता है सब शरीर के अंदर दिखता है। शरीर के अंदर दिखने से क्या हुआ? मिथ्या है। शरीर के अंदर अंश मिथ्या क्या होगा? अंदर अंश अभी इतने बड़े कमरा के अंदर इतने लोग बैठे, अंदर हो गए तो मिथ्या हो जाएगा। इसलिए कहा संवृत्ति अस्मिन् प्रत्यय, अंदर है और अल्प स्थान है, जितने स्थान आवश्यक वहाँ नहीं है, अल्प स्थान है इसलिए मिथ्या। बहुत बड़े स्थान में बहुत लोग रह सकते हैं, किंतु एक छोटे स्थान में कहेंगे इसके अंदर ही चित्र दिखा दिया, देखो इसके अंदर हाथी है, इसके अंदर छेद है, देखा इसके अंदर हाथी है, कौन मानेगा? इस छोटे छेद में हाथी कैसे रहेगा? अंदर रहने से कोई मकान के अंदर हाथी है वो तो ठीक है, छोटे स्थान में हाथी संभव नहीं। इसी प्रकार स्वप्न में नाड़ी में अंदर शरीर में सिर आदि में मन रहेगा, वहाँ ये पदार्थ कैसे रह सकता है? भूतानाम दर्शन कुतः दर्शनम, ये पहले आया है तो इनका व्याख्यान पहले हो गया है। कृत व्याख्यान श्लोको कृतम व्याख्यानम यही हो श्लोक तौ श्लोको कृत व्याख्यान हो, उसका व्याख्यान पहले हुआ वही तथ्य प्रकरण में। यहाँ क्यों कहते हैं अलात शांति प्रकरण में? संसार मोक्षाभाव प्रसंग न पठित हो, संसार का भी अभाव मोक्ष का भी अभाव। संसार कोई पारमार्थिक पदार्थ नहीं, मोक्ष भी कोई पारमार्थिक पदार्थ नहीं, उसके प्रसंग ने पठित पढ़ा गए। ओम भद्रं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वा।